सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी दूसरे बैंक पे आप प्राइमरी सेट कर सकते हो। जैसे कि आप चाह रहे हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे सेट हो जाए या फिर पंजाब नेशनल बैंक पे, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि प्राइमरी है जो सेट हो जाए, तो मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे प्राइमरी सेट कर सकता हूँ। तो चलिए मैं फाइनली आपको बताते हैं कि कैसे किसी दूसरे बैंक पे प्राइमरी सेट कर सकते हो किसी दूसरे बैंक से हटा करके। जैसे कि आपको पता होगा कि जिस बैंक पे प्राइमरी सेट होता है उस बैंक पे ही पैसा आता है, कोई भी पैसा भेजता है तो उसी बैंक पे आता है। और यहाँ पे गए, जैसे आप उस बैंक से पैसा कटाओगे तो उसी बैंक से ही आपका पैसा कटेगा। तो चलिए मैं फाइनली आपको दूसरे बैंक पे सेट करके दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन पे को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। जैसे फोन पे ओपन करोगे तो यहाँ पे फोन पे का होम पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और फाइनली मेरे को यहाँ पे देख सकते हो तो 3 बैंक अकाउंट शो हो रहा है, एयरटेल पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी देख सकते हो तो एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर यहाँ पे जो प्राइमरी है शो हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो तो टिक यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक पे ये मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर या फिर पंजाब नेशनल बैंक के अंदर सेट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जिस भी बैंक पे आप सेट करना चाह रहे हो उस बैंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सेट है प्राइमरी का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो प्राइमरी है यहाँ पे देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा पे सेट हो चुका है। होप ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चले गए, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।